ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। इसके सदस्य देश 193 हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र के मिशन और कार्य इसके चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के इतिहास की बात करें तो 1945 में 50 देशों के प्रतिनिधियों ने सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के लिए ड्राफ्ट तैयार किया। 26 जून 1945 को 50 देशों के प्रतिनिधियों ने चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड बाद में चार्टर पर हस्ताक्षर करके उसके संस्थापक सदस्यों में शामिल हुआ। हर एक साल 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस का आयोजन किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख हिस्सों की बात करें तो इसका पहला हिस्सा है महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र का मुख्य प्रतिनिधि अंग है, जो विचार विमर्श एवं नीति निर्माण संबंधी कार्यों के लिए उत्तरदायी है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य महासभा के भी सदस्य होते हैं। प्रतिवर्ष सितंबर में महासभा का सम्मेलन होता है। महासभा में अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, नए सदस्यों के आगमन एवं बजट आदि पर बहुमत से निर्णय लिया जाता है। दूसरा प्रमुख भाग है सुरक्षा परिषद। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए एक वोट निर्धारित होता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत सभी सदस्य सुरक्षा परिषद के निर्णयों का पालन करने के लिए बाध्य होते हैं। सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य हैं, जिनमें 5 स्थायी सदस्य हैं, वहीं 10 अस्थायी सदस्य हैं। चीन, रूस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए को स्थायी सदस्य का विशेष दर्जा प्राप्त है। इसके तहत इन्हें विशेष वोटिंग पावर वीटो का अधिकार प्राप्त होता है। वीटो अधिकार के अनुसार 5 स्थायी सदस्य देशों में से कोई भी देश अगर सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए किसी संकल्प या निर्णय में नकारात्मक वोट करता है तो वह संकल्प या निर्णय मंजूर नहीं होता। अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। संयुक्त राष्ट्र का तीसरा हिस्सा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। यह परिषद नीति समीक्षा और नीति वार्ता के लिए जिम्मेदार है। यह परिषद आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय मुद्दों पर सिफारिश करने का कार्य करती है। विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए यह एक प्रमुख निकाय है। इसमें 54 सदस्य हैं। सतत विकास पर विचार के लिए यह एक केंद्रीय मंच है। यह एक स्थायी संस्था है, लेकिन इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष मुक्त होते हैं। यह परिषद अपना कार्य विभिन्न प्रकार के आयोगों, स्थायी समितियों तथा विशेष संस्थाओं के जरिए पूरा करती है। संयुक्त राष्ट्र का चौथा हिस्सा है न्यास परिषद। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों से न्यास परिषद निर्मित हुआ है। विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों की सहायता इसका मुख्य सिद्धांत है। परिषद का कार्य ट्रस्टीशिप सिस्टम के तहत आने वाले ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासन की निगरानी करना था। इसका लक्ष्य था इन ट्रस्ट क्षेत्रों की स्वतंत्रता या स्वयं की सरकार की स्थापना। संयुक्त राष्ट्र के अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी अमेरिका प्रशासित पलाऊ द्वीप के स्वतंत्र होने के साथ ही न्यास परिषद के कार्य समाप्त हो गए। संयुक्त राष्ट्र का 5वां अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है। पीस पैलेस द हेग नीदरलैंड में यह स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के अन्य सभी अंग न्यूयॉर्क में स्थित हैं। कानूनी प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र को सलाह देना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का प्रमुख कार्य है। यूएन का 6ठा हिस्सा है सचिवालय। इसका प्रमुख कार्य संयुक्त राष्ट्र के प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना है। सचिवालय का प्रमुख महासचिव होता है। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए होती है। महासचिव संगठन का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। संयुक्त राष्ट्र के कार्यों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना, मानवाधिकारों की सुरक्षा, मानवीय सहायता प्रदान करना, सतत विकास को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देना इत्यादि संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख कार्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख क्षेत्रीय केंद्रों की बात करें तो अफ्रीका में नैरोबी केन्या, अदिस अबाबा इथोपिया,
अमेरिका में न्यूयॉर्क, सैंटियागो चिली, एशिया प्रशांत में बैंकॉक थाईलैंड, यूरोप एवं मध्य एशिया में जेनेवा स्विट्जरलैंड, वियना ऑस्ट्रिया और द हेग नीदरलैंड, मध्य एशिया के मामलों को भी यही तीनों केंद्र संभालते हैं और मध्य पूर्व क्षेत्र में बेरूत लेबनान प्रमुख क्षेत्रीय केंद्र हैं।